भवनाथपुर विधानसभा का दौरा आज सुबह से केतार मंदिर धाम से पूजा पाठ करने से शुरू हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते आज हम खरौंधी, भवनाथपुर और नगर उतारी के कुछ एरिया में हम लोग सब सुबह से भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ के तमाम जनता का काफ़ी समर्थन और उत्साह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। कब तक भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आपका जनसंपर्क होगा? एक आज दिन था और एक कल। पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा, उनका काफ़ी स्नेहपूर्वक और आशीर्वाद पूर्वक रिस्पांस है जिसे देख करके हम काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जी, नामांकन 24 तारीख 24 अप्रैल को है, इसलिए हम सभी को आमंत्रण कर रहे हैं नामांकन के लिए। देखिए, दो दिन का समय ये दी है और वो भी बहुत ज़बरदस्त लगन में 18-19 और सुबह मॉर्निंग में हम लोग सुबह से केतार ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में थे। इसके बाद हम लोग फिर खरौंदी गए, खरौंदी भी विभिन्न क्षेत्रों में हर पंचायत में करीब करीब टच दो पंचायत छूट गया है, ये नॉमिनेशन के बाद ये करेंगे। इसके बाद फिर भवनाथपुर में हम लोग आए और काफ़ी अच्छा रुझान जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत अच्छी मत से जो है अभी का जो रुझान है ये चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, जो यहाँ पे विगत 10-15 बरस से यहाँ पे सांसद हुए, भारतीय जनता पार्टी के और विधायक भी रहे, लेकिन पलायन पर किसी का ध्यान नहीं रहा। पलायन जो है प्रतिदिन यहाँ के नौजवान बेरोजगार अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने और उन लोगों का लाश भी आता है। तो विशेष रूप से हम लोगों का यही ध्यान है कि कम से कम पलायन को हम लोग रोकवाएं, कोई उद्योग लगे ताकि यहाँ पर पलायन रुक जाए और कम से कम यहाँ के बेरोजगारी खत्म हो जाए। भवनाथपुर विधानसभा में काफ़ी संभावना है यहाँ पर, जैसे हमने शुरुआत किया था पावर प्लांट का और हम चाहेंगे कि अगर ये चुनाव अगर जीतती हैं तो इसमें पहल करें और पलायन को रोकने के लिए जो भी कुछ करना होगा ये कम से कम हमारी प्रत्याशी करें चुनाव जीतने के। देखिए, हम लोगों का आज भवनाथपुर विधानसभा में पहला दिन जनसंपर्क अभियान था, हमारे प्रत्याशी श्रीमती ममता भूया जी का। आज हम लोग केतार प्रखंड के बर्ती से शुरू किए हैं, बर्ती, गजा, डुमर, केतार, चेचरिया, बाकी खरौंदी के विभिन्न पंचायतों को होते हुए भवनाथपुर के रोहिनिया, झगड़ा खाल, चेरवाडी। आज मैंने लगा कि लोगों के बीच में हम लोग गए तो भाजपा के खिलाफ में भारी नाराजगी है, स्थानीय सांसद बी डी राम के खिलाफ में, और जनता के रिस्पांस, जनता का समर्थन देख करके हम लोगों को लग रहा है कि यह जो चुनाव है, हालांकि चुनाव तो चुनौतीपूर्ण रहता ही है, चुनौतीपूर्ण चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का उत्साह और समर्थन देख करके हम लोगों को लग रहा है कि चुनाव हम लोग खास करके भवनाथपुर विधानसभा में 50,000 वोट से हम लोग चुनाव लीड करेंगे। वक्त में हम लोगों को जनता के बीच में जाने के बाद यह साफ पता चल रहा है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होकर रहेगा और जनता परिवर्तन चाहती है। जनता के बीच क्या भाजपा के विरोध में कुछ ऐसा लग रहा है जिससे लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी? भारी विरोध। क्यों, किस बात को लेकर? यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, जो 10 साल से 2 टर्म से सांसद हैं, क्षेत्र में कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के कभी यहाँ का समस्या को उठाए नहीं और कभी भी आप पूरे लोकसभा में आप लोग
आपको पता है कि कहीं वो जाने का काम ही नहीं किया। आपको बनातूर विधानसभा में 10 साल के अंदर बहुत कम लोग हैं जो सांसद को देखे हैं, बिल्कुल गुमशुदा तरह के सांसद थे, लापता सांसद थे। और जनता अपने जनप्रतिनिधि को हर सुख में हर दुख में देखना चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता अपना सुविधा के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजती है। और जनप्रतिनिधि जब जनता से चुनाव जीतने के बाद जब जनता के बीच में नहीं जाता है तो जन आक्रोश जो होता है वो जब समय जब आता है तो जनता अपना आक्रोश दिखाता है। और इस बार पलामू लोकसभा में परिवर्तन होने जा रहा है, जनता का जो आवाज़ है वो हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है। Millennium Public School, admission open, admission open, admission open. Science, commerce, arts, pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11, admission open, affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, GNET, experienced and trained teachers, well-designed infrastructure, library, computer lab and science lab. Smart classroom, eminent sports facilities, under surveillance of CCTV, hostel facilities available, green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Pureni and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhwa. For more details, please contact on given numbers. Thank you.